हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताजा बुलेटिन में। यहां पर लेकर आ गए हरियाणा की टॉप 25 से फटाफट ताजा खबरें। तो जी हां, अगर आप हरियाणा से हैं, रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा की, तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में अफसर शाही करनाल एसडीएम के पक्ष में टिकैत चाहते हैं निलंबन। करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा को लेकर के हरियाणा सरकार का स्टैंड कायम है। अफसर शाही ने भी एसडीएम का समर्थन किया है। अधिकारियों से लेकर के कई मंत्रियों ने सीएम को फीडबैक दिया है कि करनाल एसडीएम का तरीका उचित है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वे फील्ड में होते थे तो कई बार इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता था, ऐसे में स्पष्ट आदेश देने पड़ते थे और ऐसे में सरकार का भी तर्क है कि एसडीएम की शब्दावली गलत है, लेकिन एसडीएम के एक्शन को गलत मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर भी अधिकारी और मंत्रियों के तर्क से सहमत हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद सहित हरियाणा में आज से खुलेंगे चौथी व पांचवी कक्षा के लिए स्कूल। हरियाणा के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में चौथी और पांचवी कक्षाएं वहीं आज से शुरू हो जाएंगी। कोरोना संक्रमण के मामलों पर काफी हद तक नियंत्रण के चलते प्रदेश सरकार ने लंबे समय बाद प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने की मंजूरी दी है। हालांकि बच्चों को माता पिता की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल आने की अनुमति मिलेगी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रभावशाली गवाह सबूतों को कर सकते हैं प्रभावित। ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रवर्तन निदेशालय ने भूखंड आवंटन मामले में आरोपित हरियाणा के पूर्व सीएम की नियमित जमानत की विरोध किया है। इस संबंध में ईडी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और नियमित जमानत रद्द करने की मांग की है। हरियाणा में हिसार समेत कई जिलों में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। तो प्रदेश भर में 5 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़, झज्जर में तेज बारिश दर्ज की गई है और वहीं एनसीआर के जिले में भी जमकर बारिश हुई है। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली है। हिसार में हल्की बूंदाबांदी ही दोपहर तक हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि बंगाली खाड़ी में बने कंदवा के क्षेत्र व साथ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से दो दिनों में मानसून टर्फ दक्षिण की ओर नीचे तरफ आने के समाना से हरियाणा में मौसम में बदलाव है। इसके बाद 5 सितंबर तक बीच बीच में प्रदेश के उत्तर व दक्षिण क्षेत्र के जिलों में ज्यादातर स्थानों पर हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत मिलेगी 51,000 रुपए की राशि। प्रदेश सरकार में विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपए सगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष से और इससे अधिक व लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। रोहतक से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब नगर योजना कार टीम की शक्ति, 4 एकड़ में काटी जा रही अवैध कॉलोनी में गिराए निर्माण। नगर निगम की टीम के बाद अब जिला नगर योजना कार की टीम ने शक्ति दिखाई है। रोहतक शहरी क्षेत्र और नियंत्रित क्षेत्र में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माणों को गिराने का अभियान चलाया गया। रोहतक खरगौदा रोड पर विद्या इंटरनेशनल स्कूल के पीछे गांव भलाउट में करीब 4 एकड़ भूमि में काटी जा रही अवैध कॉलोनी में कार्रवाई की गई है। फतेहाबाद आज से लगेगी चौथी व पांचवी कक्षाएं। 17.28% अध्यापकों ने ही लगवाई है वैक्सीन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज चंडीगढ़ पीजीआई से डिस्चार्ज, सीधे सचिवालय पहुंचकर निपटाई जरूरी फाइलें। सांस लेने में दिक्कत होने के कारण चंडीगढ़ पीजीआई में उपचाराधीन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उनकी सेहत अब ठीक है। 10 दिन के उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलते ही अनिल विज सीधे हरियाणा सचिवालय पहुंचे और जरूरी काम निपटाए। साथ ही गृह सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल और सीआईडी चीफ आलोक मित्तल के साथ बैठक करके कानून व्यवस्था का जायजा लिया। फतेहाबाद में बोले राकेश टिकैत, कहा अधिकारियों का भर्ती से पहले होना चाहिए मेंटल चेकअप। राकेश टिकैत ने फतेहाबाद में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब अधिकारियों की भर्ती हो तो उससे पहले उनका मेंटल चेकअप किया जाए ताकि वे नौकरी लगने के बाद आमजन के पशुओं जैसा व्यवहार ना करें। तो जी हां, ये थी अपडेट हरियाणा के मुख्य समाचारों की। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।